जनपद पंचायत इमलाबदा में भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवानों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, तो वहीं जनपद सीईओ के मौजूद ना होने के कारण नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक और जिला कलेक्टर के अलावा जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है। नौजवानों ने साफ कर दिया है कि यहां सचिव बालाराम कुशवाहा, सहायक सचिव रविंद्र और सरपंच रामवती बाई अपने पद का गलत फायदा उठाती हैं। वहीं तमाम जानकारी के साथ क्षेत्रीय विधायक लीना जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी लीना जी, बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल में। यहाँ इमलाबदा के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत में जो योजनाएं होती हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं होता है। ज्ञापन उन्होंने आपको भी दिया है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किस तरीके से इसको देखती हैं और क्या हो सकता है वहां पर? मेरे पास भी ग्रामवासियों की शिकायतें आई थी कि सचिव जो है उसकी कार्रवाई नहीं है और वह इमलाबदा में योजनाओं की जानकारी नहीं देता और जो आवास योजना है उसका लाभ भी नहीं मिला है लोगों को। मैंने ऊपर तक ऊपर अधिकारियों से इस विषय में चर्चा की है और मैं निश्चित ही कार्रवाई करूंगा। हाँ, अभी ग्राम के जब सचिव से फोन लाइन पर हमारी बात होती है तो उनका कहना यह है कि ग्राम के लोगों का कहना है कि जितने लोगों ने आवेदन दिया है सारे लोगों का काम हो जाना चाहिए, जबकि वह पात्र नहीं होते। ग्रामवासियों से जब फोन कॉल पर बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि हम पात्र हैं, उसके बाद में भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। मैंने आपको बताया ना कि मुझे भी ये सब जानकारी मिली थी, अभी एक प्रकार से आपकी तरफ से आश्वासन समझे कि यहाँ पे जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चलो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। वहीं इस बारे में जिन पर आरोप लगे हैं सचिव बालाराम कुशवाहा, यह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बहुत स्वागत है बालाराम जी आपका वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल में। उन लोगों का कहना ये है ग्राम के लोगों का कि यहाँ पे जो सरकारी योजना है उनका सही तरीके से पालन नहीं होता है और इसी के चलते ज्ञापन भी दिया गया है। आपका क्या पक्ष है सर? उसमें क्या है कि योजना यदि किसी व्यक्ति पात्र व्यक्ति है उसको ही अपन लाभ देंगे। दूसरी बात, जैसे अपने पास आवेदक 50 है और अपने लक्ष्य के आधार पर अपने कम करना है, अपना जो जैसे लेबर बजट रहता है या मतलब अपने टारगेट जो मिलता है उस हिसाब से अपन काम करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं। तो उसमें अब व्यक्ति इनकी सोच ये है कि 50 लोगों में सभी को दो तो अपन एक साथ सभी को दे नहीं सकते कोई मतलब योजना का लाभ। जो पात्र होंगे उन्हीं को दे पाएंगे। जी तो मतलब उन लोगों ने जो आरोप लगाया वो निराधार है क्या? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये भी है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे पोजीशन ये बनती है कि अब 50 एक साथ मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए और इन्हें ना मिले कि हमें मिले, तो उस चीज का तोड़ में क्या होता है सर? जैसे सरपंच महोदय हैं या अपने पंच जो भी मतलब अपनी समिति रहती है उस आधार पे अपन चयन करते हैं कि पहले व्यक्ति को अपन इस हिसाब से जैसे 50 आवेदन है या आवेदक मतलब जो भी है उसमें से अपने 5 का नाम सिलेक्ट करना है तो उस हिसाब से अपन काम करते हैं। उनका कहना ये जो वो गलत है और हम सही है। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी तरीके से मास्टर लगाकर पैसे निकाल दिए जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए सर योजना एक कोई आवेदक आया कि मुझे आवास चाहिए सर, तो ये मानता हूँ कि ठीक है अगर सूची में आपका नाम होगा तभी तो अपन आवास दे सकते हैं सर। हाँ ठीक है, अगर नाम सूची में नहीं है तो उसका एक प्रोसीजर जो आपके नियम और अब हमारे लिए जो भी निर्देशावे दिए जाते हैं कि इस सिस्टम से आपको ऑनलाइन करना है या मतलब जब ऑनलाइन खुला होगा तब अपन ऑनलाइन करेंगे आवेदक का, जैसे आवास का भी फिलहाल में तो सिस्टम में पहली बात तो यहाँ शुरुआत होती है सर कि जो आवेदक आता है वो मौखिक जाले बात करता है सर, ताकि उस पर कार्रवाई ना तो हम उसका कोई सबूत रख पाते हैं या उस पर कोई लिखित कार्रवाई उसका जवाब भी नहीं दे पाते। अब आप मौखिक बात करेंगे तो मुझे आवास नहीं मिला
तो उसके सर हम आपको समझाइश देंगे कि आपकी सूची में नाम है या नहीं है। दूसरी बात, आप आवेदन करें तो वो उस चीज पे मतलब डिपेंड ना करके वो तो मतलब मौखिक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर यही होता है, मौखिक बात करते हैं मेरा काम हुआ नहीं, मेरा काम कर दो। तो सर उसमें क्या है, संतुष्टि ना तो हम लोग मतलब उस चीज का संतुष्ट है, हम उसे समझाने के बाद भी हम भी संतुष्ट नहीं हो पाते कि हमने क्या कार्रवाई की थी और कल क्या जवाब दिया था और आज क्या बोलना है। और व्यक्ति बार बार वही क्वेश्चन करता है, मुझे सोचा रह नहीं है, मुझे आवाज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, व्यक्ति कोई भी कंप्लेंट या कोई भी लाभ की बात तो आवेदन देके और उसकी पावती रखे कि हमने क्या काम दिया है, ताकि हमें भी पता रहे कि जो कल के आवेदन लेके गए थे दूसरे दिन वो दूसरी बात कहने लगता है। तो हर व्यक्ति को बिल्कुल 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 तो हम यहाँ मतलब संतुष्ट नहीं कर पाते या विश्वास की कमी यहाँ रहती है कि हम जैसे जो भी सिस्टम रहता है सिस्टम के आधार पे आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम पूछ के जो हम नहीं जानते जैसे तो हम पूछ के बता देते हैं भैया ये काम ऐसा होगा और ये पंचायत के अधिकार हैं, हमारा काम सिस्टम हमारी आईडी से आप इतना रहेगा काम, इसके बाद फिर जनपद स्तर पर होगा और जनपद के बाद वेरीफाई भी होना है जिला स्तर से रहेगा। वो चीज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था। चल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।